गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें ऑनलाइन स्टडी करते हुए 3 महीने से अधिक समय हो गया। जून में काफ़ी स्कूलों ने अपना हॉलीडे होमवर्क आपको रिटर्न में बच्चों को दिया था, लेकिन हमने आपको क्या किया, वीडियो के माध्यम से या डे बाई डे आपको काम दे के रिवाइज करवाया। इसी मकसद से करवाया था कि क्लासेस तो लग नहीं पा रही और ऑनलाइन के माध्यम से अगर कुछ कमी रह गई हो या कोई बच्चा लेट जुड़ा होगा तो उसको डे बाई डे रिवाइज हो जाएगा। और अब जुलाई स्टार्ट होने वाला है, अगर अपने स्कूल खुलते हैं तो भी हम जुलाई में यूटी लेते हैं, लेकिन अब स्कूल तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि कब तक खुलेंगे, तो यूटी तो लेंगे क्योंकि हरियाणा सरकार का कभी भी हमें कोई भी आदेश आ सकता है, हमें नहीं पता कि वो क्या आदेश होगा। कि जैसे अभी आप सभी को पता है 10वीं के जो मार्क्स हैं वो एवरेज बेसिस पे लेके सरकार उनको पास कर रही है, अगर इसी प्रकार स्कूलों की सिचुएशन रही तो क्या पता हमसे भी आपकी जो ऑनलाइन टेस्ट की रिपोर्ट मांग ली जाए कि सर आपने टेस्ट लिए होंगे बच्चों के ऑनलाइन, वो एवरेज बेसिस है ताकि उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सके। ये तब उस केस में जब आपके स्कूल नहीं खुलते, अगर स्कूल खुलते हैं तो कोई बात नहीं है। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो इसलिए मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि अभी जो आपके यूटी होंगे उनमें सभी बच्चों को अपने यूटी सेंड करने हैं, यूटी देने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि इन केस अगर सरकार हमसे किसी प्रकार के आपका मार्क्स वगैरह या कोई टेस्ट का रिकॉर्ड मांगे तो हम उनको प्रोवाइड करवा सकें। अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक यूटी हमने पहले ही लिया था, एक यूटी अब हम ले रहे हैं, तो हम उन्हीं बच्चों के रिकॉर्ड सेंड करेंगे आगे जिन्होंने हमारे पास यूटी की रिपोर्ट सेंड कर रखी है। अगर कोई बच्चा यूटी की रिपोर्ट सेंड नहीं करता तो हम उसके मार्क्स अगर इनकेस हरियाणा गवर्नमेंट या हरियाणा बोर्ड मांग लेता है तो हम उसको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगा के देंगे। क्यों? जब आपने हमें यूटी सबमिट ही नहीं करवाया तो हम क्यों लगाएंगे? तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी इस यूटी को दें और अच्छे से प्रिपेयर करके दें ताकि आपको रिपोर्ट वगैरह या मार्क्स देने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, ये तो थी आपको इंस्ट्रक्शन। यूटी जो है वो 3 जुलाई से शुरू होंगे आपके, अब तक जो सिलेबस करवाया वो सभी आएंगे और जब तक आपकी यूटी चलेंगे तब तक आपको कल से आपको कोई काम नहीं मिलेगा, मतलब आज से ही जब जिन आप ये वीडियो आएगा तब से आपको कोई काम नहीं देगा यूटी तक। तब तक आपको अपने अपने यूटी की रिवाइज करवाना है और आपके पास वो डेट शीट आ जाएगी कि भी किस दिन कौन सा यूटी होगा, वो डेट शीट आपको इस वीडियो के साथ साथ अवेलेबल करवा दी जाएगी। यूटी जो है स्टार्ट होने का समय 10 बजे से और आप 12 बजे तक विदिन 2 आवर्स तक कंप्लीट करके आपको यूटी सेंड करना है। और मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है 12 बजे के बाद आप यूटी न भेजें, वो और ग्रुप में ही आपके लाइन खोल दी जाएंगे, जो क्लासेस का ग्रुप है उसी में भेजिए। सेकंड क्लास का बच्चा सेकंड क्लास के ग्रुप में, थर्ड क्लास का बच्चा थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास का बच्चा फोर्थ क्लास के ग्रुप में, फिफ्थ का बच्चा फिफ्थ क्लास के ग्रुप में, किसी और नंबर पे सेंड नहीं करेंगे, अपने अपने ग्रुप में ही सेंड करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो 20 नंबर का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे सिर्फ 12 बजे तक ही है, 12 बजे के बाद अगर किसी बच्चे का नंबर क्वेश्चन पेपर आता है या आंसर आते हैं मेरे नंबर पे या अरविंद सर के नंबर पे या किसी और नंबर पे, वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, वो उसमें का यूटी का हिस्सा नहीं माना जाएंगे, तो आप भेजें या ना भेजें। अब वो पेपर किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से आपको उनके आंसर सेंड करने, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको केवल और केवल एक पेज पर अपना नाम, क्लास, फादर नेम, सब्जेक्ट ये लिख के केवल आंसर सेंड करने, इसके अलावा कुछ नहीं करने, एक ही पेज में वो सारी चीज़ें सेंड करनी आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका एक पेज होगा, वो एक पेज की फ़ोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड करनी है, वो हम फिर आपको मैच कर लेंगे। तो देखिए, वो थोड़ा सा मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ किस प्रकार से रहेंगे। देखिए, सपोज कीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन यहाँ नेम होगा, क्लास, सब्जेक्ट,
ठीक है, क्वेश्चन पेपर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है मल्टीपल, माई नेम इज, यहाँ ऑप्शन दिए हुए राजेश रवि मोहन। दूसरा क्वेश्चन है आपका दो नंबर, आई रीड इन एच एन स्कूल, बी एस स्कूल और वीणा पाणी। ठीक है, अब आपको क्या है कि ये क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो अब आपको ये आपका आंसर शीट है, तो आपको यहाँ अपना नाम लिखेंगे, नेम ठीक है ऊपर, यहाँ फादर नेम ठीक है, और यहाँ पे आपको क्लास, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन पेपर में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप वो लिखेंगे मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस लिख दिया। उसके बाद आपका मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक लिखा, उसका आंसर क्या आपके हिसाब से, ए बी सी, ए है तो यहाँ ए लिख दोगे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर दो है, आई रीड इन डैश स्कूल, आप एच एन स्कूल, बी एस स्कूल, वीणा पाणी, तो आपका आंसर क्या है, वीणा पाणी स्कूल, तो आप यहाँ लिखोगे दो का सी। इस प्रकार से आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर और उसके सामने जो ऑप्शन राइट है वो लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सपोज करो किसी पेपर में मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग में भी आपको ये सारे इस प्रकार से लिख के मिलान नहीं करना, आपको क्या करना है कि मैच द फॉलोइंग ए, यहां क्वेश्चन नंबर टू लिखो, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग लिखा सिर्फ एक लाइन में ऊपर, और उसके बाद ए फर्स्ट यहां लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या है, मैंगो, देखिए इधर देखिए क्वेश्चन पेपर पे मैंगो लिखा हुआ है, ये मैंगो, मैंगो क्या है, फ्रूट, तो आप क्या लिखोगे, ए का, ए का सी लिख दिया, ए का सी, यहाँ ए का सी, तो मिलान करने की जरूरत नहीं, क्यों, दो क्या है आपका, दो देखिए, दो क्या है, दो नंबर पे कैरेट है, कैरेट क्या है आपकी, वेजिटेबल है, तो क्या है, डी, तो दो का डी, इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद सी क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है आपका, रेड, देखिए इधर तीसरे नंबर पे क्या है, रेड, रेड क्या है, कलर, तो तीन का बी, फोर्थ का क्या है, फोर्थ है आपका मंडे, मंडे क्या है, डे, फोर्थ का ए, तो ये आपका मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग आते हैं तो इस प्रकार करने। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, अगर किसी पेपर में आपको लिखा हुआ है आंसर इन वन वर्ड, देखो आंसर इन वन वर्ड दिया हुआ है, मैंगो इज ए, तो आप ये लिखोगे, सिर्फ क्वेश्चन ऊपर लिखना, मेंशन करना आंसर इन वन वर्ड, ये लिखा और आंसर इन वन, क्वेश्चन नंबर वही रहेगा ए, आंसर इन वर्ड में मैंगो इज ए क्या है, फ्रूट है, तो फ्रूट लिखो ठीक है। उसके बाद इसका बी, बी क्या है, कैरेट इज ए वेजिटेबल, वी जी टी ए बी एल ए, तो इस प्रकार से आपको केवल आंसर्स लिख के आपको ग्रुप में सेंड करना है ये, ठीक है। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से बता दिया जा रहा है, 3 तारीख से आपकी ड्यूटी होंगे सभी क्लासेस में, 3 तारीख से आपके प्राइमरी क्लासेस के क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ तक यूटी होंगे, तब तक आपको, जब तक आपकी यूटी है किसी भी क्लास में कोई काम नहीं दिया जाएगा, सभी बच्चों को अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज करना है। तो इस बार जो यूटी है वो अलग अलग ग्रुप में लिए जाएंगे, पहला जो ग्रुप है 1 to 5th है, उसके बाद मिडिल सेक्शन का, और उसके बाद हायर सेक्शन का लिए जाएंगे, सभी बच्चों को जो सिलेबस करवा दिया उसी में से आएगा। 3 तारीख से यूटी है आपके, और जब तक आपकी यूटी चलेंगे तब तक आपको कोई भी किसी प्रकार का होमवर्क नहीं दिया जाएगा। यूटी का टाइम सुबह 10 बजे से, डेट है 3 तारीख, 3 जुलाई से आपके यूटी स्टार्ट होंगे, डेट शीट आपको आपके क्लासेस के ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। धन्यवाद।